जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ट्रिक पॉइंट। दोस्तों आज जो है झारखंड मंत्रिमंडल में चार मंत्रियों ने अभी तक दोस्तों शपथ ली है, और ये कौन से मंत्रियों ने दोस्तों शपथ ली है यही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। दोस्तों ये जो झारखंड मंत्रिमंडल अभी बनने वाला है, इससे दोस्तों 2020 में झारखंड के जितने भी JSSC एग्जाम लेंगे उन सब में दोस्तों जो है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और यहाँ से हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी। तो गौर से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और दोस्तों मैं बता दूं कि जो मंत्रिमंडल की पूरी लिस्ट है अभी तक आई नहीं है, जैसे ही आती है दोस्तों मैं इसका कल पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल लिस्ट है वो आपको यहां पे दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए अभी जो न्यूज आया है जो कि चार मंत्रियों ने शपथ लिया है, तो उसे एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों कि झारखंड का 11वां मुख्यमंत्री अभी कौन बना दोस्तों, तो आज ही दोस्तों अभी जस्ट शपथ लिए हैं हमारे नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ठीक है। तो हमारे जो है नए मुख्यमंत्री हो गए हैं वो हो गए हैं हेमंत सोरेन, ठीक है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो गए, और वो कितने नंबर के मुख्यमंत्री हुए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो वो 11वां, जबकि जो 10वां मुख्यमंत्री कौन था वो थे रघुवर दास जी, ठीक है। और ये 11वां मुख्यमंत्री है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनका पार्टी कौन सा है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये है JMM से, और JMM के दोस्तों अध्यक्ष अभी वर्तमान हेमंत सोरेन जी खुद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया कि ये जो है पार्टी JMM से है, 11वें मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड के नए मंत्री पद की शपथ दोस्तों अभी दोस्तों तीन मंत्रियों ने दोस्तों शपथ लिया है, ठीक है। तीन मंत्रियों ने दोस्तों हेमंत सोरेन के साथ जो है मंत्री पद की शपथ ली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि जो हेमंत सोरेन जी है उनके शपथ ग्रहण में हेमंत सोरेन जी के साथ किन तीन मंत्रियों ने जो है शपथ लिया था। तो उसमें दोस्तों पहला था आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव और सत्यानंद भोगता। दोस्तों ये जो आलमगीर आलम है ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, रामेश्वर उरांव ये भी कांग्रेस से, जबकि सत्यानंद भोगता जो है वो RJD से बिलोंग करते हैं। दोस्तों RJD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है राष्ट्रीय जनता दल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से देखने को मिले। दोस्तों ध्यान रखिएगा ये तीनों ही जो नाम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो हेमंत सोरेन जी के साथ किन तीन मंत्रियों ने जो है शपथ लिया था। तो उसमें दोस्तों आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव और सत्यानंद भोगता, ये तीन नाम है जो कि दो कांग्रेस से और एक RJD से है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसका जो पूरा लिस्ट है वो मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि यहां से दोस्तों मान के चलिए 200% दोस्तों यहां से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के लिए इतना दोस्तों, जय हिंद जय भारत।